आज हमारे पास लेक्सिस GS 300 है। इसका मसला है कि इसका हॉर्न नहीं काम नहीं कर रहा है, तो इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि कैसे इसका स्टीयरिंग क्लॉक स्प्रिंग जो है या पैरल केबल कैसे इसको चेंज करते हैं। तो इसका हॉर्न बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, तो इसके स्टीयरिंग केबल में प्रॉब्लम है, तो कैसे हम इसको रिमूव करते हैं और कैसे इसको चेंज करते हैं। खोलने से पहले आपने स्टीयरिंग को बिल्कुल सीधा रखना है, टायर को बिल्कुल सीधा रखना है। ये हॉर्न का कनेक्टर रहा और बाकी ये जो दो कनेक्टर है येलो, ये इसको पिन को आपने ऊपर की तरफ करना है और कनेक्टर को बाहर निकालना है, और एक ब्लैक कनेक्टर है तो 19mm बॉक्स है, इसको रिमूव किया। स्ट्रिंग बहुत फंसा हुआ है, बहुत हार्ड है, मेरे ख्याल से पोलर का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि बहुत हार्ड है। इतना हार्ड नहीं होना चाहिए, टोयोटा का बहुत टाइट है, तो अभी हम पोलर इसके लिए यूज़ करते हैं। इस वीडियो में स्टीयरिंग एंगल सेंसर का लोकेशन भी बताएंगे, क्योंकि जो नया पैरेलल केबल आता है उसमें स्टीयरिंग एंगल सेंसर नहीं आता है। तो अभी इसको इसमें हमने पोलर लगाया है, अभी धीरे धीरे इसको खोलेंगे, बहुत टाइट है। इसको कर दिया, अभी खुल गया, बहुत टाइट था। अपने जहाँ से स्टीयरिंग खोलना है वहाँ पे फिक्स करना है, मार्क लगाना चाहिए। या इसका 3 स्क्रू है, एक नीचे है, 2 ऊपर है, इसमें 3 क्लिप आते हैं, कोई स्क्रू नहीं है इसमें, सिंपली आपने इसको बाहर निकालना है। ये इसका स्टीयरिंग एंगल सेंसर है, इसको रिमूव करेंगे और जो दूसरा नया हमारे पास क्लॉक स्प्रिंग है या पैरेलल केबल है उसको लगाएंगे। इसमें छोटे छोटे क्लिप्स आते हैं, 4-5 क्लिप्स आते हैं, वो आपने थोड़ा थोड़ा प्रेस करके निकालना है, ऊपर की तरफ खींचना है, एक एक करके। ये स्टीयरिंग एंगल सेंसर है, हमने निकाल लिया,
बाहर। अभी इसको फिक्स करेंगे न्यू वन में। ये इसका क्लिप्स है, लॉक है लॉक। ये एक लॉक को फिक्स करने के बाद निकालेंगे ताकि ये राइट और लेफ्ट इसका जो एडजस्टमेंट है वो ख़राब ना हो जाए। इसको फिक्स कर दिया है, अभी सिंपली इसमें कनेक्टर फिक्स करेंगे। ये आफ्टर मार्केट मैंने ख़रीदा है, ओरिजिनल नहीं है। तो इसका क्लिप थोड़ा मुश्किल से फंस जाता है। यार एयरबैग का येलो कनेक्टर जो है एयरबैग का कनेक्टर है। सब पार्ट्स को वापस उसी तरफ करेंगे जिस तरफ खुला है। टू थाउजेंड सिक्स से 2011, 12, 13, 14 तक सब यही तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल स्टेयरिंग को सीधा अपनी जगह पे लगा के सेट करेंगे। अभी हॉर्न काम कर रहा है। वीडियो देखने का शुक्रिया।